हाय दोस्तों, आज एक रेस्क्यू, कहीं गए नहीं रेस्क्यू करने के लिए, ये घर से ही निकला था। घर में एक बरांडा के बीच में घूम रहा था तो ये देखा गया। उसके बाद हमको बोला गया कि घर में एक सांप है, तो उसे जाके देखें कि कौन सा सांप है ना। तो उसको देखने के बाद पता चला, ये देख सकते हैं डब्बा के अंदर, ये आइए दिखाई डब्बा के अंदर। इस डिब्बे के अंदर देखिए एक बर्ड ऑफ स्नैक है, जो कि कॉमन करत का हूबहू नकल करता है और जहरीला नहीं होता है। देखिए दोस्तों, यूनिफॉर्म वगैरह में कुछ नहीं है, घर का ड्रेस में है, चप्पल में आ गया है चप्पल, हालांकि असली के चप्पल सही नहीं है। और इसके बाद वो जूता सेफ्टी अपना बना कर चलना चाहिए, लेकिन अभी ये देखे नॉन वेनमस बिना जहरीला, इससे कोई ख़तरा नहीं है, जिसके कारण इसे उठाएँ और चल दिए जंगल में छोड़ने के लिए। घर से काफ़ी दूर आ चुके हैं छोड़ने के लिए। ठीक है, आइए दिखाते हैं इसको हाथ में लेके आप सभी को। ये देख लीजिए पहले डब्बे के अंदर, लगता है कॉमन करत है, बट कॉमन करत नहीं है, ये कॉमन करत नहीं है, ये कॉमन करत का हूबहू नकल करता हुआ एक बर्ड उल्फ स्नैक है। देखिए, ठीक है, इसे हाथ में निकाल के दिखाते हैं। काफ़ी गुस्सेल साफ होता है, प्लस बहुत छटपटाता है, एक्टिव होता है ये सांप। बस निकल आओ, निकल। डब्बा के अंदर से निकलना नहीं चाहता है। देखिए दोस्तों, ये सांप यही है बर्ड उल्फ, काटने के लिए तैयार है, देख सकते हैं, काटने के लिए रेडी है, काट भी सकता है, किसी भी टाइम हमको काट सकता है ये। देखिए, ये कॉमन करत नहीं है दोस्तों, आपको स्क्रीन में आप देख रहे होंगे फ़ोटो, कॉमन करत ये है और ये बिना, मतलब ये कॉमन करत नहीं है, उसका वो नकल करता हुआ एक बर्ड उल्फ स्नैक है। इसका कोई जहर नहीं होता है, इसमें कोई जहर नहीं है, ये नॉन वेनमस होता है, बिना जहर वाला, देख सकते हैं। ये बस थोड़ा सा गर्मी का ऐसा ज़्यादा हो जाए तो ये निकलता है, हल्का नमी में रहता है, ये ढीली ढीली मिट्टियों में रहता है और काफ़ी फुर्तीला सांप है। एक बार छोड़ दिया जाए तो फिर इसको पकड़ना मुश्किल हो सकता है। देखिए, काफ़ी प्यारा सांप है, देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर दिख रहा है, ग्लेसिंग कर रहा है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा, ये ज़्यादा ज़्यादा दिन का नहीं होगा, करीब कोई 2.5-3 मंथ का होगा, देख सकते हैं काफ़ी प्यारा है। और ये नॉन वेनमस दोस्तों, फिर से बोल रहे हैं, स्क्रीन में आप फोटो देख रहे हैं वो कॉमन करत है, ये कॉमन करत नहीं है, ये कॉमन करत का हूबहू नकल करता हुआ एक बर्ड उल्फ स्नैक है, जो कि बहुत सांप बिना जहर वाला। देखिए, हाथ से छूटने के लिए क्या कर रहा है, इसे अगर छोड़ दिया जाए तो आई थिंक ये बहुत स्पीड भागे, देख लेते हैं एक बार छोड़ के, देख सकते हैं, छोड़ेंगे नहीं अभी, काफ़ी सारा कुछ बताना बाकी है। देखिए, काफ़ी स्पीड भागेगा, काफ़ी स्पीड, देखिए काटने के लिए रेडी है, देखिए काटने के लिए रेडी है, काट भी रहा है दोस्तों। बस हम यही कहना चाहेंगे, थोड़ा सामने लाइए, सांप को दिखाइए, हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि सांपों को पहचानने सीखें, सांपों के जुड़ी जानकारी लीजिए, ताकि स्नेक बाइट से किसी के जान ना जाए। अगर सांप को पहचानना सीख गए तो कभी किसी के जान नहीं जाएगा। देख सकते हैं मेरे हाथ में जो है, सभी बोलते हैं बहुत जहरीला बहुत जहरीला, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई जहर नहीं है, इसमें 1% भी जहर नहीं है। अगर ये काट ले तो किसी को कुछ नहीं होने वाला, जैसे हम ही को अभी काट ले तो हमको भी कुछ नहीं होने वाला है, और यही अगर हम जान रहे इसलिए हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मतलब किसी और को जो सांप को जानकारी नहीं ले, जो सांप का जानकारी नहीं रखा है, जो सांप के बारे में नॉलेज कुछ खास नहीं रखा, वो उसको अगर ये काट ले वो एक ही चीज़ समझेगा वो, कि ये जहरीला है, काफ़ी ज़्यादा जहर इसमें होता है, ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है सांप, उसके डर से वो आदमी मर सकता है। इसीलिए दोस्तों, सांपों से जुड़ी जानकारी लीजिए, उनसे जुड़ी जानकारी लीजिएगा तो कभी स्नेक बाइट से किसी के जान नहीं जाएगा, यही है। देखिए दोस्तों, काफ़ी प्यारा सांप है और बहुत ही सुंदर सांप है और बिना जहरीला, बार बार हम ये बोल रहे हैं दोस्तों, ताकि आप सभी को दिखा सके, दर्शा सके, ये
हार्मलेस है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है दोस्तों, फिर से पहचाने, आपको फोटो दिख रहा होगा स्क्रीन में, कॉमन क्रेथ का जो पैटर्न दिख रहे होंगे उसमें दो जोड़ी में आपको लाइन लाइन दिख रही है, पूरा घुमादार एकदम शरीर में, पूरा क्या बोलते हैं गर्दन से लेकर पूंछ तक आपको दिख रहा होगा, पूरा लाइन लाइन दिख रहा होगा चूड़ीदार। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये देख रहे हैं यहाँ पर से एक मोटा लाइन है, पट्टी है जिसमें पीला कलर का एक फूल बना हुआ है, ठीक है। फिर कुछ दूर आके फिर एक पट्टी है वाइट में जिसमें फिर एक पीला कलर का फूल बना हुआ है। लेकिन कॉमन क्रेथ में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें लगातार चूड़ीदार एक लकीर, दो लकीर चलता है साथ में गर्दन से लेकर पूंछ तक, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, देख सकते हैं। ये नॉन वेनमस है, और वो वेनमस जो फोटो में दिख रहा है वो वेनमस देख सकते हैं। इसलिए आप सभी इस जानकारी अगर अच्छा लगा हो या फिर जानकारी पूर्वक है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ताकि आपके शेयर से किसी की जान बच जाए तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए इसे हम ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, रात भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसे जल्द से जल्द छोड़ देंगे जंगल में। आइए देखिए दोस्तों, ये किसी जगह में छोड़ दे रहे हैं, ये चला जाएगा। चलिए काट क्यों रहे हो, चलो चलो चलो। देखिए ये काफ़ी प्यारा सांप जो कि अपने परिवार में चला गया। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि किसी का स्नेक बाइट से किसी की जान ना जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।